नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आपको अगर कुछ चीज की जरूरत पड़ती है या फिर आप कुछ ढूंढना चाहते हैं तो वो जाके डायरेक्टली आप गूगल पे ही ढूंढते हो। कोई भी इंसान आजकल कुछ भी चीज की जरूरत लगेगी तो वो जाके गूगल पे सर्च करता है। वैसे ही सेम सर्च आपने कभी एक्सेल में किया है, कभी कभी किया होगा आपने, तो वो फाइंड ऑप्शन का यूज करके आप करते हो, बराबर। फाइंड ऑप्शन का यूज करते वक्त आपको जो चीज फाइंड करना है वो आप डायरेक्टली एक्सेल में जाके फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करके आप फाइंड करते हो। लेकिन कभी उससे आपको वो डेटा कॉपी करने के लिए मिलता है। अगर फाइंड किया हुआ मल्टीपल डेटा रहेगा तो वो आप उसको आप फिल्टर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। मल्टीपल वैल्यू जो आपने फाइंड किया हुआ डेटा है उसको आप नहीं कर सकते, सिंगल सिंगल ही करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जाना हूँ एक्सेल में स्मार्ट सर्च कैसे करते हैं। उससे आप एक्सेल में जो फाइंड किया हुआ डेटा है उसको आप फिल्टर लगा सकते हो, उसको आप कॉपी कर सकते हो, उसको आप जैसे चाहिए वैसे आप उसको यूज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। आपके सामने ये डेटा है, इसमें कुछ नाम है, सिटी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है, लगभग 616 इसमें रिकॉर्ड्स है। तो ये रिकॉर्ड्स जो है इसमें से मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मैं कैसे सर्च करूंगा इसमें, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नॉर्मली आप जब सर्च करते हो तो फाइंड में जाके जो चाहिए वो आप सर्च करते हो, मतलब सपोज आपको सैम सर्च करना है तो फाइंड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जहाँ पे वो रिकॉर्ड है वहां पे एक्सेल लेके जाता है, या फिर आपके पास अगर फाइंड ऑल ऑप्शन है तो वहां पे आपको मल्टीपल जितने रिकॉर्ड्स है, मतलब जो आपने फाइंड में डाला हुआ है उसके रिलेवेंट जितने भी रिकॉर्ड्स है वो आपके सामने यहाँ पे दिखा देता है। उससे उसके हिसाब से आप जिसके ऊपर क्लिक करते हो वहां पे वो एक्सेल लेके जाता है। लेकिन ये कुछ काम का नहीं है, सिर्फ आप इसको सर्च कर सकते हो। इसको अगर आपको सब सपोज कॉपी करना है तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, इसको आपको फिल्टर लगाना है तो इसको फिल्टर नहीं लगा सकते, तो इसकी वजह से फाइंड का बहुत सारा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि स्मार्ट सर्च एक्सेल में कैसे करते हैं, बल्कि आपको ये सर्च से जो डेटा है वो डेटा आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। जैसे आप डेटा सर्च में डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो फील्ड है वो हाईलाइट हो जाएगी, जहाँ रिलेवेंट वर्ड्स है या फिर कीवर्ड्स है वो सर्च आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एक दो सेल सिलेक्ट किए हुए हैं, उसमें एक में सर्च हियर करके टाइप किया हुआ है और यहाँ पे ये जो सेल है ये ब्लैंक सेल है। ओके, इसमें अभी मैं क्या करता हूँ, सैम करके टाइप कर देता हूँ। ओके, अभी मुझे सैम सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो मेरा डेटा है ये डेटा सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, न्यू रूल। न्यू रूल में जाके यहाँ पे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू बी फॉर्मेट। ओके, तो ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सर्च फंक्शन का यूज करूंगा। सर्च फंक्शन इसलिए क्योंकि सर्च फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पे अगर मैं फाइंड फंक्शन यूज करता तो वो बहुत ही केस सेंसिटिव है, इसके लिए मैं सर्च फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो सर्च फंक्शन यूज करते वक्त इज इक्वल टू सर्च ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो मेरे मुझे सर्च वैल्यू करना है वो सर्च वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, उसके बाद कॉमा। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे मैं A6 ये सिलेक्ट करूंगा। A6 करने के बाद मेरा जो कॉलम है वो फिक्स रखूंगा, सेल की वैल्यू जो है वो सिर्फ मैं क्या करूंगा रिलेटिव रखूंगा। उसके बाद एंड, उसके बाद B6, इसमें भी सेम B कॉलम फिक्स कर दिया, उसके बाद एंड, उसके बाद C6, इसमें भी हम कॉलम को फिक्स करते हैं, एंड उसके बाद D6, इसको भी हम कॉलम को फिक्स कर देते हैं।
और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, तो फॉर्मेट में जाते हैं, कलर जो है इसका व्हाइट कर देते हैं और इसमें फिल जो है वो रेड ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह अपना फंक्शन तो सेट हो गया है। यहाँ पे अभी देखते हैं कि ये अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ओके के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जो है वो आ गया। अभी सपोज कुछ मुझे दूसरा ढूंढना है, सिम, वाशिम में से मैं सिम ढूंढता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिकली सिम जो है जिस जिस सेल में सिम SHIM करके लिखा है वहां का जो डेटा है वो यहाँ पे आपको हाईलाइट होके दिखाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ LDFF, तो सॉर्ट बाय कलर के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास जिस जिस रिकॉर्ड्स में SHIM लिखा हुआ है वो सब रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे आ गया। इसको मैं फिल्टर को फिर से हटा देता हूँ। अभी दूसरा कोई नाम डालते हैं, समझो COM डालते हैं। ये देखो COMP ये करके आ गया। इसके बाद यहाँ पे COM आ गया, यहाँ पे आ गया। इस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप सर्च फंक्शन का यूज करके कोई भी डेटा में आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, देखो अगर सपोज मैंने यहाँ पे सेल जो है वो ब्लैंक रख दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सब जितने भी हमने सेल रेंज सिलेक्ट किया हुआ है वो सेल रेंज क्या हो जाता है, यहाँ पे रेड हो जाता है। तो इसको अगर आपको फिक्स करना है तो इसके लिए आपको फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, मैनेज रूल्स, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस वर्कशीट के ऊपर क्लिक करूंगा, एडिट रूल के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं इसको एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद मैं यहाँ पे इज ब्लैंक फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट ओपन, ये सेल सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अगर ये ब्लैंक यस हो गया तो इसको जीरो करो, नहीं तो ये फंक्शन यूज करो, और उसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। चलिए दोस्तों ये तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कुछ ब्लैंक डेटा रहेगा तो भी आपको आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब उसको कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अभी हम सर्च करते हैं मुंबई, देखो मुंबई वाला जो जिस जिस सेल में मुंबई है वहां पे आपको ये सेल क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इस तरह आपका स्मार्ट सर्च जो है वो एक्सेल में वर्क होता है। आपका कोई क्वेरी या फिर डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद।